हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक नॉलेज। डिस्कस करेंगे फिर से इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। देन देखें, हम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर के वहां देख सकते हैं। एंड द 12th नंबर क्वेश्चन इज एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज और आर फिक्शन। देखें, एवरी वन ऑफ दीज बुक्स, यहाँ पे ऑफ लगा होता है, हम बता चुके हैं पहले ही। तो पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है। तो एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज और आर फिक्शन। तो एवरी वन जो है हमारा सिंगुलर है, इसीलिए ये जो है सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। तो यहाँ पर वर्ब इज जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज और आर फिक्शन। तो यहाँ पर एवरी वन जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है, तो इज जो है वो सही हो जाएगा। देन द 13th नंबर क्वेश्चन इज नोबडी नो और नोज द ट्रबल आई हैव सीन। ठीक है, नोबडी नो और नोज द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी, एनीबडी, ये सारा सिंगुलर होता है। तो नोबडी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे क्या चाहिए होता है, सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी। तो यहाँ पे नो एंड नोज में जो है सिंगुलर नोज होता है, और नोज जो है वो डज प्लस नो होता है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो नोज सही हो जाएगा। नो बडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। तो नो बडी सिंगुलर हुआ, इसीलिए इसका सब्जेक्ट जो है वो भी सिंगुलर होगा। एंड नो एंड नोज में सिंगुलर नोज होता है, जो कि डज प्लस नो है। देन द 14th नंबर क्वेश्चन इज और आर द न्यूज ऑन एट 5 or 6। देखिए यहाँ पे द न्यूज जो होता है सिंगुलर है, द न्यूज पर्टिकुलर को बता दिया गया, द न्यूज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हमारा इज जो है वो सही हो जाएगा। देन देखें 15th नंबर क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स इज और आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। देखें यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, अगर सब्जेक्ट दे मैथमेटिक्स, इसमें एस लगा हुआ है लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम दो उसके साथ में एस इंक्लूड होता है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज और आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो ये सिंगुलर है, इसके लिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे ही व्हाइल सिविक्स इज और आर अंद्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट, यहां पे आप बता सकते हैं, ये भी सिविक्स दे दिया है, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट का नाम हो गया है, सिंगुलर हो गया, इसलिए ये भी इज हो जाएगा। तो हमारा दोनों ही इज होगा यहां पे। ठीक है, मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाइल सिविक्स इज इंद्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। देन देखें 16th नंबर क्वेश्चन इज $8 इज और आर द प्राइस ऑफ अ मूवी दिस डेज। आजकल जो है, ठीक है, $8 यहाँ पे बता दिया गया है, ये एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, यहाँ पे पैसों की अगर सर्टन अमाउंट दे दे तो ये एक सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो $8 इज और आर द प्राइस ऑफ अ मूवी दिस डेज। तो यहाँ पे जो $8 है तो यहाँ पर ये सिंगुलर बन गया, तो इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी, और इज और आर में सिंगुलर इज होता है। $8 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी दिस डेज। ठीक है, देन देखें 17th नंबर का क्वेश्चन इज और आर द ट्विजर्स इन दिस ड्रॉयर। हम सब जानते हैं ट्विजर्स प्लूरल होता है, इसीलिए इसको प्लूरल वर्ब की नीड है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल जो आर है, तो आर द ट्विजर्स इन दिस ड्रॉयर, समझ में आया, आर जो है वो सही हो जाएगा। देन द 18th नंबर क्वेश्चन इज आवर Your pants is or are the cleaners. Your pants is or are the cleaners. देखिए यहाँ पे पैंट दिया गया है, तुम्हारे पैंट्स, मतलब कि बहुत ज्यादा पैंट्स है, तो यहाँ पर जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है, तो हमारा जो आर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, योर पैंट्स आर द क्लीनर्स। देन देखें there was or were 15 candies in that bag. Now there is or are only one left. देखें there was or were 15 candies. देखिए यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 15 कैंडी दिया है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, ये वन नहीं है, मोर देन वन है, दैट मीन ये प्लूरल है, तो इसलिए हमारा प्लूरल वर्ब की जरूरत होगी, तो where हो जाएगा, there were 15 candies in that bag, ये तो सही हो गई। लेकिन now there is or are only one, देखिए यहाँ पे वन दे दिया है, तो यहाँ पे मोर देन वन नहीं है, दैट मीन ये सिंगुलर है, तो हमारा जो है ये सही हो जाएगा, पहला जो प्लूरल होगा, सेकंड वाला जो सिंगुलर होगा, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वेयर एंड इज जो है वो सही हो जाएगा। दे आर वेयर 15 कैंडीज, क्योंकि 15 कैंडी मोर देन वन है, इसलिए जो है वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए वज नहीं होकर के वेयर होगा। दे आर वेयर 15 कैंडीज इन दैट बैग, बट नाउ दे आर इज ओनली वन लेफ्ट, लेकिन अभी क्या है, ओनली वन है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन
द 20th नंबर क्वेश्चन इज द कमिटी डिबेट्स और डिबेट दिज क्वेश्चंस केयरफुली. देखें द कमिटी, देखें यहाँ पे जो पूरी कमिटी है सिंगुलर को इंडिकेट करती है, ये बात को आपको नोट करनी है अच्छे से, ध्यान से देखें. द कमिटी मेंबर्स अगर होता तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है, प्लूरल हो जाता. द कमिटी ये क्या करता है, होली एक को बताता है. द कमिटी तो ये हो गया सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. डिबेट्स और डिबेट में डिबेट्स जो है वो सिंगुलर है. डज प्लस debate equals to debates, इसीलिए the committee singular है, तो हमारा जो answer है वो debates हो जाएगा singular. ठीक है, the committee debates these questions carefully. देखें the 21 number question is 21st, the committee members leads or lead very different lines in a private. ठीक है, तो यहाँ पे द कमिटी मेंबर्स है, दैट मीन ये सिंगुलर नहीं है, कमिटी नहीं है, कमिटी के मेंबर्स मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं. ठीक है, द कमिटी मेंबर्स लीड और लीड्स, देखें यहाँ पे ये हो गया होल प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. लीड्स एंड लीड में लीड जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए डू प्लस लीड, जो लीड होता है वो डू प्लस लीड है, तो डू एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे द कमिटी मेंबर्स लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीड जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर. द कमिटी मेंबर्स लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट. देखें 22 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज वाइफ ग्रीट्स और ग्रीट द प्रेस कोडियली. देखें द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ, पहले ही हम बता चुके हैं विथ लगा हो या टुगेदर विथ लगा हो, इसके साथ में हमें क्या करना है, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में वर्ब डील करेगा. तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी. एंड ग्रीट्स और ग्रीट में ग्रीट जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए हमारा जो आंसर ग्रीट्स है वो सही हो जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज वाइफ, देखिए यहाँ वाइफ हो या फिर अदर कुछ भी हो, यहाँ पे टुगेदर विथ दे दिया है, आपको नोट करने की जरूरत है कि यहाँ पे टुगेदर विथ दिया हुआ है, और टुगेदर विथ अगर हो तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, तो विद हो या टुगेदर विद तो हो जाएगा ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और ग्रेट्स जो होता है वो डज प्लस ग्रेट होता है, और डज जो सिंगुलर है तो हमारा ग्रेट्स जो है वो हो जाएगा आंसर. ठीक है, देन 23rd क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द सीडीज इवन द कास्ट वन इज और आर इन दिस केस. देखें ऑल द सीडी, सारे सीडी किसके साथ में, वो जो स्क्रैच्ड वाले के साथ भी सारे हैं ये केस में, तो यहाँ पे यहाँ बता दिया गया है कि ऑल द सीडीज ये प्लूरल हो गया, सारे मिलकर के सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है, इसलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा आंसर. ऑल ऑफ द सीडी इवन द स्क्रैच्ड वन आर इन दिस केस. ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश ग्रामर के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव्स में इसके पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस. अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं डेफिनेटली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, तो मैं कोऑपरेट करते हैं इसके लिए, थैंक यू सो मच.